ये जो मौजूदा सरकार है ये केवल हक अधिकार छीन रही है, न्याय देने का तो काम नहीं कर रही है, बल्कि उन पर और जो है शोषण करने का काम कर रही है। किसी न किसी तरीके से जो है बहुजनों से जो है हक अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे लिए मुद्दा हर बहुजन समाज की वो बेटी है जिसके ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो रेप हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे ऑफिसों में डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे और कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, वो सारे के सारे चीजें। क्योंकि कल तक घर में पानी न था, आज नलों में घर में पानी है, कल तक रहने को झोपड़ी न थी, आज महलों में जिंदगानी है, और नहीं है करिश्मा ये किसी गहरे गहरे का, ये सब साहब काशीराम की निशानी है। कपड़ा पहनने से, गाड़ी में बैठने से तरक्की होती है तो वो तरक्की का पैमाना नहीं है। तरक्की का पैमाना ये है कि 5000 साल से चली आ रही जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को 1984 के अंदर बनी हुई एक पार्टी ने बदल के रख दिया। आज हम अगर राजनीतिक रूप से बात करते, सामाजिक रूप से बात करते, आर्थिक रूप से बात करते, तो बिल्कुल बहुजन समाज बढ़ रहा है। यकीन मानिए कि यदि आज वो हमारे बीच होते तो संसद पे हमारा कब्जा होता। नमस्कार, मेरा नाम है नूरजहां और हम इस वक्त इधर आए हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मान्यवर काशीराम साहब जी की आज यहाँ पे 17वीं महापरिनिर्वाण दिवस है, जहाँ पे आपने देखा ही होगा जो काशीराम साहब जी हैं उन्होंने बहुजन लोगों के लिए बहुत काम करा है और उन्हीं को आगे बढ़ाने में उनकी काफ़ी मदद करी है। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं। जो मान्यवर काशीराम जी हैं, आज उनकी परिनिर्वाण दिवस है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, अगर आज हम दिल्ली के अंदर खड़े होकर साहब काशीराम जी का 17वां परिनिर्वाण दिवस आज मना रहे हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कल तक घर में पानी ना था, आज नलों में घर में पानी है, कल तक रहने को झोपड़ी ना थी, आज महलों में जिंदगानी है, और नहीं है करिश्मा ये किसी अरे गहरे का, ये सब साहब काशीराम की निशानी है। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकली रूप से मजबूत हुए हैं और बहुजन समाज अगर पॉलिटिकली रूप से मजबूत हुआ है तो कहीं ना कहीं साहब काशीराम की विचारधारा है जो आज भी लोग समझ रहे हैं, उसे लागू कर रहे हैं। जैसे कि बिहार के अंदर 2023 के अंदर जातिगत जनगणना की जो बात है वो साहब काशीराम जी का ही फार्मूला था कि 25-15 की जो 25-15 की जो राजनीति है उसकी बात। अभी और जगह भी कह रहे हैं लोग कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी करवाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये तो विचारधारा तो हमारी है ना, विचारधारा हमारी है, वो पूरे भारत में लागू होगी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, या राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी सरकार, जहाँ जो अनुसूचित जाति के लोग बहुमत में। देखिए, इससे कोई किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको लगता है जातिगत जनगणना से, आज महिला रिजर्वेशन की बात होती है, 50% रिजर्वेशन लागू नहीं होता जब भारत की जो महिलाएँ हैं वो 50% है, और उसमें भी जो है उसके अंदर भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा उसी विचारधारा के कारण है। क्योंकि सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने वीमेन रिजर्वेशन की जो संकल्पना है वो साहब बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए की थी। तो आपको लग रहा है जो मतलब ये बहुजन समाज के लोग हैं ये आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं? देखिए, ये तो आपको अपनी नज़र से देखना पड़ेगा कि तरक्की किसे कहते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनने से, गाड़ी में बैठने से तरक्की होती है तो वो तरक्की का पैमाना नहीं है। तरक्की का पैमाना ये है कि 5000 साल से चली आ रही जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को 1984 के अंदर बनी हुई एक पार्टी ने बदल के रख दिया, और दिल्ली के अंदर एक कील गाड़ दी, नोएडा के अंदर एक कील गाड़ दी, लखनऊ के अंदर एक कील गाड़ दी, और जब जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर घुसोगे तो घुसने वाली हर जगह पर जो नजर आएंगे वो भगवान बुद्ध नजर आएंगे और बहुजन समाज के महापुरुष नजर आएंगे। फातिमा बेग नजर आएगी, उसके अलावा उदिया पासी नजर आएंगी, सावित्री बाई फुले नजर आएंगी, और जब इन सभी भारत के इतिहास में अगर महिला राजनीति की बात होगी तो भारत के अंदर सिर्फ बहन कुमारी मायावती नजर आएंगे। मतलब जैसे कि हाल ही में देखा गया है, जो आपने देखा ही होगा, जो डॉक्टर रितु सिंह हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको निकाल दिया गया शेड्यूल कास्ट के बेसिस पे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, आपके लिए एक मुद्दा प्रोफेसर रितु सिंह हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मुद्दा हर बहुजन समाज की वो बेटी है जिसके ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो रेप हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे ऑफिसों में डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे और कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, वो सारे के सारे चीज़ें हों। मतलब क्या देख रहे हैं कि अब जो ये है बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए आपको तय करना होगा ना। हम तो कहेंगे हम बढ़ रहे हैं। आज हम अगर राजनीतिक रूप से बात करते, सामाजिक रूप से बात करते, आर्थिक रूप से बात करते तो बिल्कुल बहुजन समाज बढ़ रहा है, परंतु उसकी स्पीड वो नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने देखे और साहब काशीराम ने देखे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो हमारे मतलब नज़रिए से देखना होगा कि लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो आइए हम इधर कुछ जो लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं इन्हीं से लेके हम कुछ बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप जो काशीराम जी के उसके ऊपर है, आज उनका पुनर्निर्वाण दिवस है? क्या वो अच्छे काम करे, अच्छे आदमी थे उनकी सर, आप क्या कहेंगे जो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है उस पर? देखिए मैडम, रियलिटी में देखा जाए तो महापुरुष जो है कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि जो उनकी जो विचारधारा है वो जीवित रहती है।
तो मैं तो काशीराम जी के विषय में पता सबको है, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि आज काशीराम जी शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन विचारों से हमारे बीच जरूर हैं। सर ने कहा कि मौत वो है जिसका लोग अफसोस करें, मौत वो है जिसका लोग अफसोस करें, यूं तो सभी का जन्म मरने के लिए हुआ है। तो काशीराम साहब ने एक हमें विचारधारा जो दी है और जो वो काम करते रहे हैं, उनसे हमें डेडिकेशन मिलता है कि भाई के इंसान को मरना जरूर है, लेकिन आप कुछ ऐसा करके चले जाओ कि लोग आपको याद करे जाएं। अगर हम पिछली पीढ़ी में जाएं तो मैं अगर अपने व्यक्तिगत जाऊं, मैं अपने दादा पे जाऊं या परदादा तक जाऊं, तो आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका मुझे फिर भी अफसोस नहीं होता। लेकिन साहब काशीराम हमसे पहले जो करके चले गए हैं, उनके लिए हमें अफसोस है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है हमें कोशिश करनी चाहिए, वो हम बढ़ाते रहें निरंतर। जो साहब काशीराम जी हैं, अगर वो अभी जिंदा होते तो मतलब कैसा महसूस करते हो? देखिए, अगर साहब काशीराम साहब आज जिंदा होते तो ये जो मूवमेंट है बड़ी तेजी के साथ चल रहा होता, क्योंकि जिस पर्सनैलिटी के साथ साहब काशीराम वर्क करते थे, लोगों में जोश रहता था काम करने के लिए। ये हमारा मतलब दुर्भाग्य रहा कि हम उनके साथ कभी काम ना कर पाए। आज यदि काम होते तो हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करते, और यकीन मानिए कि यदि आज वो हमारे बीच होते तो संसद पे हमारा कब्जा होता और हमारे जो है साधन संसाधनों पे सभी पे हमारा कब्जा होता। जो भी आज भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, मतलब लग रहा है आपको उनको न्याय दिया जा रहा है? देखिए, आज की जो मौजूद सत्ता है, सत्ता न्याय देने का तो काम नहीं कर रही है, बल्कि उन पर और जो है शोषण करने का काम कर रही है। किसी न किसी तरीके से जो है बहुजनों से जो है उनके जो छीनने की हक अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी आपने देखा है कि आरक्षण का जो है ये प्राइवेटाइजेशन करके अब आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मौजूदा सरकार है ये केवल हक अधिकार छीन रही है, लोगों को जो है उनके हक अधिकारों से वंचित कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ सभी लोगों ने बताया और उसी पे अफसोस जता रहे हैं, लेकिन वही कहा जा रहा है कि अगर लोग समाज के लिए काम करें तो पूरा समाज उन्हें याद रखता है। तो ऐसे ही आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनहित आवाज़।